Bubble indicator, I mean remote. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छिदू वाइटी। मैं आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके हो छिदू गाइमो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक ट्राइपॉड अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं, यानी कि रिव्यू करने वाला हूं। सो दोस्तों, ये जो है मेरा सबसे फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको लगे कि हमसे इस वीडियो में कुछ गलती हुआ है तो प्लीज़ गाइस हमें माफ़ कर देना। और अगर आप कोई जो ट्राइपॉड है किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या हाइट है और ये कितना कमाल का है, ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो के अंदर देखते रहिएगा, मैं आपको बारीकी से बताऊंगा एक चीज। तो चले गए इस बिना टाइम गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्राइपॉड किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और ये इसे यहाँ पर डिलीवरी हुए 3 से 4 दिन हो चुका है। मेरा पास वक्त नहीं था, सो इस वजह से मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया था। तो मैं सोचा कि आप लोग सबके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो हम इस बक्से को अनबॉक्सिंग खोल लेते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाला। ओके, और ये यहाँ पर एक वाव, देखिए दोस्तों, यहाँ से अंदर से कुछ निकला है। आप किस तरीके से यहाँ पर एक कवर आया है, ठीक है, इसके अंदर ही होंगे ट्राइपॉड शायद। और ये बक्सा है, ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ नहीं है तो ये हमारे लिए काम का नहीं आता, हम इसको वहाँ रख देते हैं। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा ट्राईपॉड, अब इसे हम खोल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि हमारा कैमरा अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा यानी कि कैमरा मैन नहीं है, इस वजह से हमें अकेला हूँ, तो इस वजह से कैमरा को थोड़ा अच्छे तरीके से रखा है मैंने। सो दोस्तों, सबसे पहले तो निकल के आते हैं ये, यानी कि ये मोबाइल होल्डर होगा, ठीक है। इसके साथ है रिमोट, ठीक है, आपको बताने भूल गए, ये मेरा रिमोट कंट्रोल वाला ट्राइपॉड हमने मंगाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर केबल, जो शायद रिमोट चार्ज करने के लिए है, देखिए, ठीक है, रिमोट है। उसके बाद इसको निकलते हो, वाओ, आप देखिए दोस्तों, ये है हमारा ट्राइपॉड, ठीक है, ये बहुत ही कमाल का है। तो मैं आपको थोड़ा आगे जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो लॉक करने वाला है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। और इसका जो स्टैंड है, यानी कि जो हम नीचे रखेंगे उस समय इसको इस्टेबलिश बैठने के लिए है, ये बहुत अच्छा एक तो है। और बात किया जाए तो यहाँ पर ऊपर ये हुडर है, यानी कि यहाँ पर हम मोबाइल जो भी है यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गूगल इंडिकेटर है, बबल इंडिकेटर तो इससे क्या होगा कि जब मैं आगे चल कर बताऊँगा, ठीक है, आप बता के भी देखा तो शायद टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। और ये हमारा रिमोट रखने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसका लुक्स कुछ तरीके से है। और यहाँ पर एक और अजीब सा है, ठीक है, ये क्या काम करते मैं आगे चल कर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका हाइट देख लेता हूँ, ठीक है, इसका हाइट कितना है और ये किस तरीके से होने वाला, ठीक है। तो आपको इसको सबसे पहले इस तरीके से रखना होगा, उसके बाद आपको इसका लॉक को खोलना होगा, ठीक है, यहाँ पर इस दोनों को इस तरीके से खोल देना है और आप इस तरीके से उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इसको जो है अनलॉक हो गया था, इसको फिर से लॉक कर देना है, वरना आपका ये जो हिलते ही ऊपर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, आपको इसको लॉक कर देना है। तो इस तरीके से हम सारे को जो लॉक कर खोल लेते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाने भूल गया, यहाँ पर एक हुडर मिला हुआ है। इससे क्या होगा कि जब आपका ये मोबाइल होल्डर है, इसमें वेट लेवल होता है, ठीक है, आप इसमें किसी में आप 5 किलो रख पाते हैं और कहीं कहीं का में 3 या कहीं में 2 से 1 का होता है। तो इस समय तो अब आपका जो मोबाइल होल्डर है इसमें 5 किलो का वेट का हिसाब से हो रहा, अगर आपका जो कैमरा वगैरह जो वो 6 किलो इतना का होता है, तो आपको क्या करना है, इस होल्डर जो यहाँ पर है इस पर कुछ चीज़ टांग देना है, थोड़ा बारीकी चीज़, ठीक है, ये टांग देगा तो आपके ऊपर में जो आपका कैमरा है वो बैठ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आते हैं, ठीक है, चलिए ओके, अब मैंने इसको यहाँ पर रख देता हूँ। और आप बात आते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर आप इस तरीके से उसको खोलेंगे सबसे पहले, ठीक है, खुल के आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे घुमा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये मोबाइल रखने के लिए है, पर अब इसको मोबाइल पर किसे रखेंगे, ये के लिए इसके लिए यहाँ पर हमें मिला था जो मोबाइल है, मोबाइल होल्डर टाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल होल्डर है, यानी कि मोबाइल यहाँ पर रखेंगे तो ये मोबाइल होल्डर इसके ऊपर लगाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा रिमोट, वाओ, ज़रा देखिए तो ये रिमोट कितना यूनिक इसका है ना,
यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर दो तरीके का होगा, एक जूम इन और जूम आउट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, शायद मेरा कैमरा अभी थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्लस बटन है और एक माइनस बटन है, ठीक है, और बीच में कैमरा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसी से हम कैमरा को रिकॉर्ड करेंगे या पिक्चर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दबाकर, और इसे जूम इन जूम आउट। तो इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर इसको ऊपर कर देना होता है। जैसे हम इसको ऊपर करेंगे यहाँ पर एक लाइट जो ब्लिंक होने लग जाता है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का लाइट है। तो इससे हम पता करेंगे कि हमारा जो ये रिमोट है वो ऑन है, ठीक है। जब आपका रिमोट की बैटरी ख़त्म होने के लिए होगा तब यहाँ पर जो ब्लू लाइट की जगह पर रेड लाइट ब्लिंक होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको लाइट को इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारा मोबाइल होल्डर और यहाँ पर है हमारा मोबाइल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से ऊपर खींच देना है आपने और इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है, ठीक है। ज़्यादा उधर भी नहीं, ज़्यादा इधर भी नहीं, आपको इसको ठीक की तरीके से फिक्स रखना है। फिक्स रखने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मैं आपको ये यहाँ पर थोड़ा जूम करके लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ये हमारे इसको निकालने में मदद करेंगे, ठीक है। हम अपना मोबाइल रखने वाला इसको हम निकाल सकते हैं कुछ तरीके से, हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर निकलते ही यहाँ पर हमें एक घुमाने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसको यहाँ पर रख देते हैं, इससे क्या होगा कि जब हम अपना इस मोबाइल को यहाँ पर जोड़ेंगे उस समय हमें इसको घुमाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना जो मोबाइल होल्डर इसको यहाँ पर रखना है और हमने इसको वहाँ से निकाल लिया है। तो हमें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट है, तो हमें इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे घुमाते जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इस तरीके से आपको घुमाना है। एक के बाद आपको अगर ये टाइट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर अब नीचे देखिए एक नोट है, यहाँ पर एक पकड़ने के लिए टाइप भी बना रखा है। तो आपको यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है, इस तरह से घुमा दीजिए। अब ये हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट में इसको ऊपर रखना है फिर से, ठीक है। हमें इसको ऊपर रखने के लिए फिर से क्या करना है, इसका जो पोजीशन है इसको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से हमें फास्ट इसको इस तरीके से करना है, उसके पीछे इसको नीचे पर इस तरीके से ओके रख देना है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये बैठ चुका है, जिससे मैंने आपको कहा था इसका पोजीशन यहाँ तर भी होना है। तो इसको आपने रखते समय अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर एक बबल आएगा, तो आप मेरा कैमरा मैंने यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक बबल देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर एक बबल देख रहा है ना, बबल इंडिकेटर, अगर ये बीचों बीच में होगा तो आपका ट्राइपॉड जो है एकदम सही जगह पर खड़ा है, ठीक है। अगर ये उधर इधर होगा तो आपका ट्राइपॉड सही जगह पर खड़ा नहीं है। तो और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ा सा मिस को अगर यहाँ पर एक पकड़ने के लिए हुडर टाइप एक मिला है हमें, तो इसको ये किस काम के लिए है, तो ये जो है इसको ऊपर कर देंगे, उसके पीछे इसको इस तरीके से हम घुमाना है, ठीक है। जैसे हम घुमाएंगे इसका साइज़ और भी बढ़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बड़ा साइज़ पर हो जाएंगे आप, ठीक है। आपको इसको ऊपर कर देना है और ऊपर करते देखिए आप, ये ट्राइपॉड जो है मेरा हाइट से भी लंबा है, आप देख सकते हैं जिसके यहाँ पर। तो और उसके बाद आप इसको चाहे तो इस तरीके से स्टेबलाइज यानी कि 350 रोटेट पर आप घुमा सकते हैं यहाँ से, और आप अपना मोबाइल को जो है उस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं आप, जिससे आपको शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाना होता आपको अपना मोबाइल इस तरीके से रखना, और यूट्यूब वीडियो बनाना होता आपको अपना मोबाइल इस तरीके से रखना है।